हेलो एवरीवन। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7। देखो ये कहते हैं, अ सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड विद अ रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर इज़ फिल्ड विद सेंड। देखो इतनी बात समझते हैं। देखो एक सिलेंड्रिकल बकेट है। सिलेंड्रिकल बकेट कैसे बनाएंगे, इस तरीके से बना लेते हैं। देखो ये एक सिलेंड्रिकल बकेट है हमारे पास, ठीक है। सिलेंडर की शेप है, जिसमें बकेट मतलब समझते हो, कोई बाल्टी टाइप है, ठीक है। बकेट 32 सेंटीमीटर हाई है, मतलब इसकी हाइट कितनी है, 32 सेंटीमीटर की है हाइट हो गई इसकी, 32 सेंटीमीटर की। और विद रेडियस ऑफ बेस कितना है, 18 सेंटीमीटर। देखो रेडियस कितनी है इसकी हमारे पास, 18 सेंटीमीटर, ठीक है। 18 सेंटीमीटर, और इसको हम कैपिटल आर ही मान लेते हैं, ठीक है। रेडियस कितनी हो गई हमारे पास, 18 सेंटीमीटर की, ठीक है। और इसके अंदर क्या फिल है, सैंड है, ठीक है। सैंड फिल है, सैंड समझते हो, रेत फिल है, ठीक है। एंड दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड। ऑन द ग्राउंड पे हमने क्या किया, इसको एम्प्टी किया। मान लो जैसे आप समझ लो आपके पास बाल्टी में कोई चीज़ है, ठीक है। जैसे मान लो रेत है, ठीक है। आपने उसको ऐसे पलट दिया यहाँ, ठीक है। जब आप उसे पलटोगे तो वो कैसी शेप लेगा, कौन की शेप लेगा। देखो उसमें लिखा भी है उसने, एंड एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड एंड अ कॉनिकल हीप, कौन का ढेर, हीप मतलब ढेर, कॉनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड, मतलब ऐसा बन जाएगा ये। देखो इस तरीके से ये कौन इस तरीके से बन जाएगा, समझ रहे हो। मतलब आप कोई भी चीज़ जैसे पलटते हो, ठीक है, किसी कोई भी चीज़ है, जैसे मान लो सैंड हो गया या कोई और इसकी जगह कुछ और चीज़ हो गई, जैसे मान लो गेहूं हो गई, ठीक है ना, गेहूं देखिए, हाँ ठीक है, या कोई भी दालें हो गई, इस तरह की कोई भी चीज़ आपके पास बाल्टी में है, ठीक है। आप उसको पलट दो, जब आप पलटोगे तो क्या होगा, पलटना इन द सेंस आप सरफेस पे, अर्थ की सरफेस पे उसको पलट रहे हो, ठीक है। तो होगा क्या, वो सामान यहाँ ही इकट्ठा होगा, और जब आप उसको जब पलट दोगे और बकेट को हटाओगे, ठीक है, तो आप देखना वो शेप कैसी ले लेगा, एक कोन की शेप ले लेगा, एक ढेर सा बना देगा। आपने देखा भी होगा कई जगह पे, ठीक है, कुछ चीज़ जो सामान पड़े होते हैं उनके ढेर जो लगे होते हैं वो कैसे लगे होते हैं, कॉनिकल शेप में ही लगे होते हैं, ठीक है। और जब ये कॉनिकल शेप लेंगे इस तरीके से, ठीक है, तो मेन बात ये है कि इस कोन की जो रेडियस है वो इसकी रेडियस के बराबर कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि जब आपने सैंड को ऐसे पलटाया इसमें, ठीक है, तो सैंड इधर से थोड़ा थोड़ा करके इधर साइडों में भी तो आएगा। जैसे मान लो बाल्टी आपने उल्टी रख दी थी, ठीक है, अब बाल्टी को उठाया तो ऑब्वियसली बात है नीचे का बेस उतना नहीं रहेगा जितना बाल्टी का, ये चीज़ समझ रहे हो मेरी, ठीक है। क्यों, क्योंकि रेत जो है थोड़ा सा आएगा भी ना इधर साइडों में भी आएगा, तो रेडियस चेंज हो जाने वाली है क्योंकि बेस चेंज हो जाने वाला है इस ढेर का, ठीक है। बात इतनी बात क्लियर हो रही है। तो यहाँ पर वो की जो के बात कह रहा है, एंड अ कॉनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड इफ द हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप, जो हाइट है कॉनिकल हीप की वो कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। तो मान लो ये जो हाइट है इसकी, ये वाली, ठीक, ये जो हाइट है ये हो गई 24 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने स्मॉल एच लिया इसको, कह रहा है फाइंड द रेडियस, ये वाली रेडियस, ठीक है, आर निकाल लिया मान लो स्मॉल, ठीक है। एंड स्लांट हाइट, स्लांट हाइट होती है ये एल, ये वाली, ये स्लांट हाइट एल निकालनी है, ठीक है। तो देखो सीधी सी बात है, स्लांट हाइट का फॉर्मूला आपको पता है, स्लांट हाइट का क्या फॉर्मूला होता है, एल इक्वल टू में अंडर रूट में एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर होता है। तो हमें आर फाइंड आउट करना है, आर फाइंड आउट कर लो आप तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एल निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो ये कैसे निकलेगा आर, देखो जो ये सैंड था पूरा फील्ड होगा इस बकेट में, ठीक है। और जब हमने यहाँ पर इसको बाल्टी को या इस बकेट को यहाँ पर जब हमने पलटाया, ठीक है, एम्प्टी किया, तो ऑब्वियसली बात है जितना सैंड इसमें था उतना ही सैंड यहाँ पर आया होगा ना। और ये इसने शेप चाहे ले ली एक कोन की, लेकिन सैंड तो उतना ही रहने वाला है। तो हम लिख सकते हैं ना, वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस कोन। आ रही हैं चीज़ें समझ में, बताओ। ये जो अगर वॉल्यूम वाली बातें नहीं समझ में आ रही हैं, ठीक है, तो ये शुरू से आप देखो इस एक्सरसाइज को, ठीक है ना, 13.3 को, तो समझ में आएगा ये हम वॉल्यूम इक्वल कैसे ले रहे हैं। और नहीं तो नॉर्मल सी बात है, वॉल्यूम मतलब क्या है, जितना सैंड इसमें है, ठीक है, उतना ही यहाँ आने वाला है सैंड, क्योंकि उसी को तो पलटा है। तो चाहे शेप अलग अलग होगी है, लेकिन सैंड तो उतना ही है, कम ज़्यादा नहीं हो सकता, समझ रहे हो। तो इसका वॉल्यूम इक्वल टू इसका वॉल्यूम, क्योंकि रेत तो जो है वो क्या रहने वाला है, इक्वली रहने वाला है, या जो सैंड है वो इक्वली रहने वाला है। तो हम यहाँ लिखेंगे कैसे, देखो यहाँ पर लिखेंगे हम इस तरीके से, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब मुझे वॉल्यूम बता दो ज़रा, क्या होता है सिलेंडर का, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वेयर एच, और कोण का 1/3 पाई
अब देखो ये आर छोटा लिया था इसमें हमने, ठीक है, आर स्क्वेयर एच इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। देखो पाई तो सेम ही होता है, तो पाई से पाई कैंसिल कर देते हैं यहीं पर ही, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, हमें ये आर की वैल्यू पता चल जाएगी इसकी, कोण की, ठीक है। तो देखो ये वाला आर कितना था, 18 था, तो 18 इंटू में 18 स्क्वेयर है क्योंकि, और एच कितना है यहाँ पर, 32 है, और ये 1/3 है, और आर स्क्वेयर हमें निकालना है, यानी कि आर निकालना है हमें, और एच कितना गिवन है इसमें, 24, ठीक है, क्लियर है। तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया है। तो देखो 18 इंटू में 18 इंटू में 32, ये वाला 3 इधर आ जाएगा और ये 24 नीचे आ जाएगा, क्लियर। अब देखो ये कटता है क्या, 3 8 था, 8 4 था, ठीक है। 18 18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा ये आपके पास, 4 12, और ये 3 3 2 4, 3 2 4 को फिर अगेन किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। तो 4 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, देखो 4 4 द 16, 4 2 द 8, और 1 9, 4 3 द 12, 1 2 9 6 आ गया, ठीक है, 1 2 9 6। आर स्क्वेयर इधर है, ठीक है, तो आर स्क्वेयर इधर है तो हमें पता है आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वेयर रूट में आ जाएगा। ये कैसे करते हैं हम, स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो इधर स्क्वेयर रूट आ जाएगा, और इधर स्क्वेयर रूट जो करेंगे वो स्क्वेयर से कैंसिल हो जाएगा, तो आर बचेगा सिंपल, ठीक है। तो वैसे भी याद रखना है आपको, जब भी ऐसी चीज़ होती है, इधर स्क्वेयर है इधर नहीं है, तो इधर सिंगल आर रह जाएगा और ये क्या आ जाएगा, स्क्वेयर रूट में, 1 2 9 6। 1 2 9 6 का स्क्वेयर रूट देखो क्या होता है, बताए थे मैंने आपको ये निकालने सिखाए थे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, इनको प्राइम फैक्टराइजेशन से किया करो, ठीक है। तो यहाँ कर लेते हैं, देखो 1 2 9 6, ठीक है, 1 2 9 6 है, 2 पे जाएगा पहले, यहाँ से देखा करो, ये आपके पास इवन नंबर है, 2 6 द 12, 2 4 द 8, 2 8 द 16, फिर अगेन इवन नंबर है तो 2 पे जाएगा, 2 3 द, 2 2 द, 2 4 द, फिर अगेन 2 1 द, 2 6 द, 2 2 द, 2 8 द, 2 1 द, ये 3 पे जाएगा, 3 कितना जाएगा, ये 3 2 द 6, 3 7 द 21, 3 9 द, 3 3 9 द हो गया 27, फिर 3 3 द 9, ठीक है, फिर 3 और ये 1, ये आएगा, ठीक है। तो देखो दो दो के पेयर बनाओ, 2 ये भी 2, ये 3 ये 3, कितना आ गया देखो, ये 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3, ये सब आपने 8th में सीखा होगा ये सब चीज़ें, ठीक है ना, 7th 8th से करते आ रहे हो ये सब, ठीक है। 2 2 द 4, 3 द 12, 12 3 द 36, तो 36 इसका आंसर आया है, रेडियस क्योंकि पूछी थी उसने, तो 36 सेंटीमीटर में रेडियस आ गई। और अगर ये 36 सेंटीमीटर में रेडियस आ गई, तो अब ये एल तो निकाल ही सकते हो आप यहाँ पर, देखो एल कैसे निकलेगी, एच कितनी है हमारे पास, 24 इसका स्क्वेयर प्लस आर कितना आया, 36 का स्क्वेयर, ठीक है। तो 24 का स्क्वेयर कितना होगा, देखो 24 को 24 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 द 16, 4 2 द 8, और 1 9, 2 4 द 8, 2 2 द 4 6, 9 और 8 17, और ये 5 5 76 आ गया, ये प्लस 36 का स्क्वेयर, देखो 1 2 9 6 का स्क्वेयर रूट कितना, 36, तो 36 का स्क्वेयर कितना होने वाला है, 1 2 9 6 ही होने वाला है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं, नहीं तो मल्टीप्लाई करके देख लेना 36 को 36 से, तो ये 1 2 9 6 आएगा। तो कितना आ जाएगा ये देखो, 1 2 9 6 ऐड करेंगे 5 7 6 में, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, 6 6 12, 9 और 7 16, और 1 17, 1872, 1872। इसके भी फिर वही प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो देखो कैसे निकाल देंगे, 1872 का, ठीक है, 2 पे जाएगा, 2 9 द, 2 3 द, 2 6 द, फिर अगेन 2 पे, 2 4 द, 2 6 द, 2 8 द, फिर 2 पे, 2 2 द, 2 3 द, 2 4 द, फिर 2 पे, 2 1 द, 2 1 द, 2 7 द, फिर देखो 1 1 7 7 आ गया, 7 2 पे तो नहीं जाएगा, तो ये किस पे जाएगा, 3 पे देख लेते हैं, 7 प्लस 1, ठीक है, 3 पे जाएगा, 3 पे कैसे देखते हैं इन तीनों को ऐड करके देख लिया करो, 9 आ रहा है तो 9 3 पे जाता है, तो ये भी 3 पे जाएगा, देखो 3 3 3 द 9, 3 9 द 27, ठीक है, और फिर 3 पे जाएगा, 3 1 द, 3 3 द, आगे नहीं जाएगा, 13 1, ठीक है। तो देखो दो दो के पेयर बनाओ, 2 ये भी 2 ये 3, और ये 13 सिंगल बचेगा, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, जो जो पेयर में बनते हैं उनको सिंगल लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू में 3, और ये 13 नहीं हुआ है, तो इसका मतलब इसको हम कैसे करेंगे, रूट में ही रखेंगे 13, क्योंकि इसका पेयर नहीं बना, ठीक है। तो 2 2 द 4, 4 3 द 12, 12 रूट में 13 सेंटीमीटर की क्या आ गई इसमें
आपके पास स्लांट हाइट आएगी, ठीक है। तो एल कितना आ गया हमारे पास, ये 12 रूट में 13 सेंटीमीटर, ये आंसर आ गया आपके पास। क्लियर है बात, ठीक है। तो आ गया होगा क्वेश्चन समझ में, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। कैसे करना है बस ये ध्यान में रखना, बच्चे के मैं सोचते हैं रेडियस यही वाली होगी इसकी जो इसकी होगी, क्योंकि ऐसे उल्टा पलटा है नहीं, जिस बेस जो है वो सेम नहीं रहने वाला, ये थोड़ा बड़ा होगा ही होगा। अब देखो जैसे रेडियस यहाँ कितनी थी, 18 थी ना, अब देख लो इसकी जो कोन की रेडियस है वो कितनी आ गई हमारे पास, 36 आ गई है, देख लो डबल हो गई सीधी, यानी कि बेस क्या हो गया, फैल गया होगा ना वो, रेत तो फैलता ही है, तो जब रेत ऊपर से आना शुरू हुआ होगा तो जैसे ये जब बकेट आपने हटाई होगी, ठीक है ना, ऐसे पलटाने के बाद तो रेत फैला होगा साइडों से, तो वो जो बेस है वो ऑब्वियस सी बात है। अब जैसे यहाँ पर हमें साफ ही पता चला कि डबल ही होगी रेडियस, तो डबल हो गया होगा बेस। क्लियर हो रही हैं चीज़ें, ठीक है। तो मेनली चीज़ों में ये है कि क्वेश्चंस को डीपली समझो, कह क्या रहा है, नॉर्मली ध्यान मत रखो कि हाँ वॉल्यूम है ये है वो है, रेडियस ऐसे निकलेगी, समझो इस चीज़ को कि इस तरीके से क्यों नहीं हुआ, उस तरीके से क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो अपने आप ही आपका जो है बेस स्ट्रॉन्ग होता चल जाएगा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।